नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी कृषि योद्धाओं को। एग्री सिलेक्शन पॉइंट परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए सभी खाना खा पी के तैयार है, तो अब एक बार आप सभी साथी लिंक को जरूर शेयर कर दे, ताकि आपके और भी अन्य साथी जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी एक बार लाइव के अंदर जुड़ जाए। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक रहेगा, वो आप सभी को पता ही है कौन सा रहेगा, कपास की खेती के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कपास। कपास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है, जो भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे जेट, आईसीआर, बीएचयू या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है गेहूं, उसके अलावा धान की बात कर ले, उसके अलावा मक्का हो गई, उसके अलावा मूंगफली, कपास, तंबाकू, सरसों और ये जितने भी गन्ना हो गया, तो ये क्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आज बात करेंगे कपास, कॉटन। तो पहले देखते हैं इसका बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है गॉसिपियम स्पीसीज इसका बॉटनिकल नेम हो गया। अगर कुल की बात करें तो कुल होता है इसका मालवेसी, ये आप सब जानते हो। बेसिक बात अपन बाद में करेंगे, क्योंकि अलग अलग इसकी जो प्रजातियां हैं उसका वो वर्गीकरण है, जो कि एक साइंटिस्ट ने दिया था, हचिनसन ने एक इसका वर्गीकरण किया था। उसके में बाद में अपन बात करेंगे इसका वर्गीकरण, इसका उत्पत्ति स्थल, उसका कुल, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं उनके बारे में। पहले देखते हैं अपन बेसिक बात, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके उपनाम की। तो जो कपास होता है इसको बोला जाता है सफेद सोना, ध्यान रखना इसका उपनाम की बात करें तो वो होता है सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड, इसका उपनाम हो गया सफेद सोना। अगर बात करें तो पहले बात करें इसके अंदर नाइट्रोजन, जो कपास की जो खड़ी होती है, आपको पता है रेशा निकालने के बाद जो बचती है खड़ी, जो अपन गांव में काकड़ा बोलते हैं, अधिकांश काकड़ा ही बोलते हैं बेटा, उपनाम होता है इसका व्हाइट सोना, व्हाइट गोल्ड बोल दो, सफेद सोना बोल दो। इसके बात करें इसकी जो खड़ी होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन होती है खड़ी में, नाइट्रोजन होती है, वो होती है लगभग 6% नाइट्रोजन पाई जाती है इसकी खड़ी के अंदर। अब इसकी बात करें तो कपास जो आप जानते हो कि का काम आता है, काम क्या आएगा कपास, तो कपास का जो काम है, मेनली काम है, वो आता है कपड़े बनाने में, वस्त्र बनाने में। तो वस्त्र उद्योगों में सबसे ज़्यादा काम कीमती कौन सा, जो अगर बात करें सबसे ज़्यादा क्या काम आता है, वो आता है कपास। तो वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं अपन, वस्त्र उद्योग में लगभग 70% क्या काम आता है, कपास। तो वस्त्र उद्योग निर्माण में भी कौन सा चीज काम आएगी, कपास आएगी। अब मैं बात करूंगा इसके जो बीज होते हैं, कपास के जो बीज होते हैं उसके अंदर तेल पाया जाता है, तो कपास के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो इसके जो बीज होते हैं, बीज में, कपास के बीज में तेल की मात्रा, तेल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, लगभग 18-25%, ध्यान रखना, बहुत सी बुकों में अलग अलग दे रखा है। तो कपास के बीज में तेल की मात्रा होती है वो लगभग 16 से लेकर 25% क्या मानी जाती है, इसके अंदर कपास के बीज में तेल की मात्रा मानी जाती है। अब एक छोटा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जो कपास होता है आपने देखा भी होगा, एग्जाम्स के अंदर पढ़ा भी होगा कि कपास का जो एक गांठ होती है, देखो कपास को अपन क्विंटल में नहीं मापते, उसमें क्या करते हैं, एक जो उसकी गांठ का वजन होता है, जो पूरी रुई होती है, कपास होती है, तो उसके अंदर नाम मापा जाता है। तो एक कपास की गांठ का वजन कितना होता है, फटाफट आप कमेंट्स करके बताइए। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपको बताना है कि जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है। मैं बता रहा हूँ कपास की एक गांठ का वजन वो होता है लगभग 170 केजी होता है एक गांठ का वजन। आपको राइट आंसर बताना है कि जूट, अगर यहां पर आ जाए, जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है वो आपको बताना है। और अजीत जैन जी, सोनिया मीणा, आर के जांगीड, पूजा कुमावत, सबने 170 बता रहे हैं, ये गलत है बेटा। मैं क्वेश्चन है, जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है, ये आपको राइट आंसर बताना है। और ये आपका सभी का लगभग गलत आ रहा है, सब 170 बता रहे हैं और सभी का आंसर ये गलत है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए,
हाँ, अब आया गौरी शंकर जी का आंसर, भावना यादव का भी राइट आंसर आया, 180 गौरी शंकर जी का, बद्रीनारायण नागर का, विरल कलेक्शन का, ज्योति सेनी का, ज्योति सेनी बेटा गलत है, 170, 180 राइट आंसर आएगा। बिल्कुल अब सब विद्यार्थियों का राइट आंसर आने लग गया, 180। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना, जो कपास होती है कपास का होता है 170 केजी एक गांठ का वजन। अगर बात कर ले अपन जूट का, तो जूट का होता है ध्यान रखना 180 केजी, जूट का होता है 180 और कपास का होता है 170। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो एक बार आप इसको उतार लो, और अब बात करेंगे इसके वर्गीकरण की, इसका क्लासिफिकेशन किसने, किस साइंटिस्ट ने दिया और कब दिया, ये भी बात अपन करेंगे। तो शायद उतार लिया होगा आपने। अब देखो वर्गीकरण की बात करें, देखो वर्गीकरण कपास का वर्गीकरण, तो देखो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था हचिनसन, ध्यान रखना हचिनसन, हचिनसन, और इसने कपास को 1947 में इसका वर्गीकरण किया, कपास का वर्गीकरण किया, और वो साइंटिस्ट था हचिनसन, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, तो ये चीज ध्यान रखना। हचिनसन ने क्या किया, कपास को वर्गीकरण किया और कपास को चार भागों में बांटा, चार भागों में बांटा। अब पहला कौन सा है वो देखो, पहला है गोसिपियम आर्बोरियम, पहला कपास होता है वो होता है गोसिपियम, गोसिपियम आर्बोरियम, आर्बोरियम, ये जो कपास है इसको बोला जाता है पुराने विश्व का कपास, ध्यान रखना क्वेश्चन कंफ्यूज होगा, एक तो नए विश्व का कपास और एक पुराने विश्व का कपास, कौन कौन सा है, तो ये है पुराने विश्व का कपास, पुराने, पुराने विश्व का कपास, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। ये वर्गीकरण किया था हचिनसन ने 1947 में। अब ये जो कपास होता है इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 2n बराबर, इधर लिख देता हूं मैं 2n बराबर 26, ध्यान रखना बहुत सी बुकों में ये गलत दे रखा है, आप कंफर्म कर लेना 2n बराबर 26 क्या होता है, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। सर फोरम रीओपन, बेटा फोरम रीओपन इस महीने लास्ट में हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, जून के लास्ट वीक में फॉरम रीओपन होने की पूरी पूरी संभावना, आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। और अगर आप एएसपी के साथ अगर जुड़े हुए हो तो मैं कह रहा हूँ ये यूट्यूब चैनल भी एक ऐसा माध्यम है कि अगर आपने इसकी भी पूरी लाइव क्लासें, पूरे जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं वो भी अगर आपने देख लिए तो मैं कह रहा हूँ आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको कृषि पर्यवेक्षक या JET ICAR में सिलेक्शन से रोक सकती है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर सिस्टमेटिकली पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज अगर अपन आप पढ़ना चाह रहे हो या अपनी तैयारी को और परखना चाह रहे हो तो हर संडे को शाम को 5 बजे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज चलती है जो कि सबसे स्पेशल कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज है। और आप सभी ने देखा होगा जो भी बहुत से विद्यार्थी जुड़े हुए भी है, तो आप आज ही ये जो ऐप है आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐप आ रहा ASP कोचिंग जयपुर, ध्यान रखिए ASP कोचिंग जयपुर, इस ऐप को आज अभी ही डाउनलोड कर ले। इस ऐप के अंदर आपको हर संडे को कृषि प्रयोगशक का पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, जिसमें हजारों स्टूडेंट राजस्थान नहीं पूरे भारत के हजारों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, और उसी में आपकी रैंक, उसी में आपके टोटल मार्क्स, उसी में आपको आंसर की सभी प्रोवाइड होती है। इसके अलावा आपको नोट्सों की आवश्यकता हो तो जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं, मेरे जो पर्सनल नंबर है, आप इनके ऊपर अपना नाम और कृषि पर्यवेक्षक कोर्स का नाम, अपना एड्रेस भेज दें ताकि मैं आपको कंप्लीट नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराए दिए जाएंगे, पूरे कंप्लीट, चाहे आप JET ICAR BHU के नोट्सों की जरूरत हो, चाहे आपको कृषि पर्यवेक्षक के नोट्सों की जरूरत हो, तो ये ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ पर आप 1100 रुपये जमा कराकर आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत स्थिति में पहुँचा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें ASP कोचिंग जयपुर, ध्यान रखिए आपको एप्लीकेशन पे और भी ऐप मिलेंगे, अपना इंस्टीट्यूट है एग्री सिलेक्शन पॉइंट ASP कोचिंग जयपुर। देखिए पहला था गोसिपियम आर्बोरियम, दूसरा इसको बोलते हैं पुराने विश्व का कपास, और इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 26। अब यहां से एक क्वेश्चन देगा, भारत के अंदर ये जो कपास है गोसिपियम, इस गोसिपियम आर्बोरियम, ये कपास कितने क्षेत्रफल में बोया जाता है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 29% क्षेत्रफल में कौन सा कपास बोया जाता है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% क्षेत्रफल में कौन सा कपास बोया जाता है, गोसिपियम आर्बोरियम, ये हो गई इसकी बात। दूसरा कपास है गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम
हर्बेशियम। देखो ये जो ये सी आएगा ना, ये सी वो दूसरा आएगा सी शेषंकर वाला, तो मैं थोड़ा सा आप वो भी देख सकते हो, कुछ बुकों में ये शेषंकर वाला कुछ में ये भी है, तो आप निश्चिंत रहिए से गलत नहीं है। देखो अब बात कर रहा हूं गॉसिपियम हर्बेशियम, ये जो कपास है ये कपास होता है, इसका जो बीज और जो रेशा होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, तो मैं लिख देता हूं बीज और रेशा, बीज व रेशा छोटा होता है। अब छोटा होता है तो इसको कम बोते हैं भारत के अंदर, क्योंकि कपास के जो दाने भी होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं, काकड़ा जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो इसलिए इसको कम बोते हैं। तो भारत के अंदर अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो लगभग क्या होता है, इसके गुणसूत्रों की बात कर लो तो वो 2n बराबर 26, लेकिन क्षेत्रफल में पूछे क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में बोते हैं, तो लगभग 8% क्षेत्रफल में क्या बोते हैं, इस कपास को बोते हैं। ये आगे समझ में। अब तीसरी बात करें जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने की, आरके डा का जिक्र है सर, हाँ सर बहुत अच्छा सिस्टम है ऐप में। हाँ बेटा ऐप के अंदर देखो सिलेक्शन की बात आप गलत वे में ले रहे हो, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि यूट्यूब पे पढ़ के भी अपन पास हो सकते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब के माध्यम से आप पास नहीं हो सकते हो, ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि आप ऐप खरीदो तभी ही आप सिलेक्शन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले लोगों में भावना थी कि पहले मान लो मैं गाँव से हूँ और लोग ये कहते हैं शहर में जाएगा तभी पास होगा, तो लोग पहले क्या करते थे शहर में जाने लगे कोचिंगे, उसके बाद में पहले लोगों की सोच हो गई थी कि अब तो सरकारी में पढ़ के भी आईएएस बनते हैं लोग, पहले लोग कहते हैं कि प्राइवेट में पढ़ेगा तो ही नौकरी लगेगा, लोगों ने प्राइवेटों में एडमिशन लिया, प्राइवेटों का रिजल्ट अच्छा रहा, फिर कहे कि शहर में जाके पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, शहर में जाने लगे। अब लोगों की सोच है कि आप जयपुर जाके पढ़ोगे तो ही पास होंगे, कोई कहेगा कि आप दिल्ली जाओगे तो ही पास होगा, पास होने में तो आप कहीं भी हो सकते हो, लेकिन बाकी जो ऐप के अंदर जो आपसे 1100 रुपये चार्ज लिया जा रहा है उसमें सिस्टमेटिकली आपको कंटेंट मिलेगा। सिलेक्शन होने के लिए नहीं होने के लिए तैयारी सभी करते हैं, कोई एक आध नंबर से रह जाता है, कोई दो नंबर से रह जाता है, तो इसका जो पछतावा है वो रिजल्ट आने के बाद चलता है कि खास मैं भी ये थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके मैं सिस्टमेटिकली अगर तरीके से कोर्स कर लेता, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अभी आपको यूट्यूब के माध्यम से, अभी कल मैंने ली थी तंबाकू, आज ले लिया कपास, तो वो सिस्टम डगमगा गया, आपको यही पता नहीं, दो एक दिन गेहूँ ले लिया एक दिन धान ले लिया, आपको यही पता नहीं कि अब जो बाकी की बीज की क्लासें कहाँ गई, क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर कंटेंट नहीं दिया जा सकता, YouTube पर पूरी कंप्लीट क्लासें नहीं दी जाएंगी। अब उसके अलावा भी आपको पता है जो बच गया, मक्का बच गई, ज्वार बच गया, जितने भी और भी क्रॉप्स है वो बच गई बीच में छूट गई, अब आप जो पढ़ रहे हो YouTube पे फ्री के चक्करों में तो वो उसी हिसाब से नंबर आएंगे, जो सिस्टमेटिकली पढ़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा उसको उसी हिसाब से नंबर आएंगे, और कंपटीशन के लिए एक एक नंबर क्या एक एक पॉइंट भी इतने इंपॉर्टेंट है, उसका अंदाज आपको परीक्षा परिणाम बाद में ही आएगा। चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं ये जो कपास था इसका क्षेत्रफल होता है 8%। तीसरी बात करें तो तीसरा जो कपास होता है उसको बोलते हैं अमेरिकन का, देखो नाम याद रखना उसको, अगर नाम साइंटिस्ट नाम की बात करें तो गॉसिपियम हिस्टूटम, गॉसिपियम, देखो अगर इसको अमेरिकन कपास ही बोलते हैं, गॉसिपियम हिस्टूटम, तो इसको बोलते हैं, और यही है नए विश्व का कपास, इसको बोलते हैं नए विश्व का कपास, नए विश्व का कपास, कपास इसको आप बोल सकते हो अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास। तो ये देखो तीन नाम हो गए अमेरिकन कपास, आपको शायद स्क्रीन कट रही होगी, थोड़ा सा मैं एक बार स्क्रीन को, नहीं बिल्कुल सही आ रही है आपकी स्क्रीन, तो ये तीसरा कपास था गॉसिपियम हिर्सुटम, ये होता है अमेरिकन कपास, इसका जो रेशा होता है लंबाई होती है बहुत ज़्यादा होती है, देखो रेशा भी लंबाई होगी, बीज का आकार भी ज़्यादा होगा, और इसमें जो भारत के अंदर गुणसूत्रों की बात करें, पहले इसमें गुणसूत्र, तो इसमें गुणसूत्र होते हैं, देखो इन दोनों में 26 गुणसूत्र होते हैं, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 2n बराबर 52 गुणसूत्र, सॉरी 52, इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 2n बराबर 52। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कपास बोया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन सा कपास बोया जाता है, वो बोया जाता है गॉसिपियम हिर्सुटम अमेरिकन कपास, इसको बोलते हैं नए विश्व का कपास, और इसमें अगर बात करें क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल होता है लगभग 36%, लगभग 36%,
देखो ये 26%, ये 29%, ये 8% और ये कितना हो गया 36%। उन सूत्र भी देखो 2n = 52, इन दोनों में 26 26। और लास्ट जो कपास है वो है गोसिपियम बारबेडेस, गोसिपियम गोसिपियम बारबेडेस। ये जो कपास है लास्ट कपास है कपास का वर्गीकरण, इसी को बोलते इजिप्टियन कपास, आइसलैंड कपास, सूडान कपास। तीन नाम देखो, इजिप्टियन, इजिप्टियन, आइसलैंड या फिर बोल दो सूडान, सूडान कपास, तीनों इसी के नाम है। और भारत में सबसे कम क्षेत्रफल में बोया जाता है। इसका भी जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं इसमें भी, वो होते हैं 2n = 52। लेकिन क्षेत्रफल की बात कर लो आप लालाओ, तो क्षेत्रफल में तो ये बिल्कुल ही कम है। और क्षेत्रफल में भारत में 0.2% क्षेत्रफल, तो ये सबसे कम बोया जाता है। क्षेत्रफल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 0.2%। आपको दिख नहीं रहा तो मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो ये थे कपास का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फटाफट देर किस बात की, आप ठोक दो लाइक और उतार लो इसको। और यार जितने भी साथी है लाइव, तो एक बार वो लिंकों को भी शेयर किया करो ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। जोश कम कर दिया आपने मेरा, क्योंकि ये लाइक वाइक ये कमाने लगे, इसलिए थोड़ा सा जोश होता है ना वो कम हो जाता है। आर्किडा का जिगर है, जब एएसपी की क्लासें होती है तो खाना भी भूल जाता हूँ। बेटा मैं तो आज खाना खा के आया हूँ, कल भूखा मर गया। कल 12:30 बजे तक क्लास हुई थी तो मैं लेट हो गया था, खाना ही नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो मैं पहले खाना खा के आया हूँ। आज सुबह उठाया चकला बेलन 8 बजे, चकला बेलन उठाया लगाया सब्जी के छूकण, बस पहले रोटी पैक करके लाया हूँ और खा भी लिया अभी, तो टेंशन मत ले। अगर तुमने भी नहीं खाई छाछ राबड़ी खा ली होगी। अब बात करेंगे देखो कपास का उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल। देखो उत्पत्ति स्थल जो होता है कपास का वो माना जाता है भारत, भारत कपास का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। कुल की बात नहीं की थी अपने, तो कुल होता है इसका मालवेसी, मालवेसी कपास का कुल होता है मालवेसी। गुणसूत्र आपको बताई दिए, गोसिपियम स्पीसीज इसकी प्रजातियां आपको बताई दी। अब मैं बात करूंगा पूरे संसार के अंदर भारत कपास उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, विश्व में सबसे ज्यादा कपास। देखो क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछे विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से कपास कहाँ बोया जाता है, तो भारत में। कहाँ बोया जाता है? भारत। लेकिन उत्पादन में, उत्पादन में अभी लेटेस्ट डाटा की बात कर रहा हूँ, थर्ड रैंक है भारत की, ध्यान रखना थर्ड रैंक है भारत की। ये चीज़ आप भूल मत जाना, बहुत सी बुकों में फर्स्ट रैंक दे रखी है, गलत। अब थर्ड रैंक पे आ गया भारत कपास उत्पादन में। अगर बात करें भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है, तो भारत में कहाँ होगा? गुजरात। और ये अंडरलाइन कर लेना, पहले महाराष्ट्र था, अभी भी आधी लड़कियों के खोपड़े में महाराष्ट्र लिखा हुआ है, दिमाग लगा लेना। गुजरात हो गया, अब महाराष्ट्र नहीं रहा है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। जय देव नारायण जी महाराज जी, चंबल का डकैत जगन गुजर, अरे वारस भाई नाम क्या आईडी में। बेटा जगन गुजर तो जानते ही थे आप, जगन गुजर, गुजर बहुत ही खतरनाक डोन सा, चंबल के भीड़ों का बहुत बड़ा जाना माना डाकू था। और तेरे को पता है, मतलब 2009 की बात है, शायद 9 की है या 13 की है, मेरे को कन्फर्म याद नहीं सन, शायद 9 की बात है। वसुंधरा राजे जी थी मुख्यमंत्री राजस्थान की, तो डगन जगन जो गुजर था, डकैत था बहुत खतरनाक, उसने वसुंधरा राजे को और सीएम हाउस को बम से उड़ाने की धमकी दे दी थी। उसके बाद में इसका नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो बेटा ये आईडी पे जो नाम लिख रखा है ये तो आप हटा लो तो बढ़िया रहे, क्योंकि नाम से ही डर लगने लगा, मेरे शरीर में कपकपी छूटने लग गई, पढ़ाया नहीं जा रहा आगे, पता ही नहीं चला कि अब पढ़ाए क्या, क्योंकि सामने चंबल का डकैत जगन गुजर के नाम से आईडी बनी हुई।
और एक नाम आपने और सुना होगा, कुख्यात वाहन चोर हंसराज मीणा। नाम लिख देता हूँ, कोई मीणा लड़के नाराज मत हो जाना, हंसराज मीणा। कोई मीणा नाराज मत हो जाना बेटो, जो है जो बता रहा हूँ, कुख्यात वाहन चोर था, अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय। इसको 2014 की बात है शायद, जयपुर सेंटर जेल के अंदर बंद कर रखा था। ये वाहनों को पार करता था, तड़ी पार कर देता था। तो इसने क्या किया, जो जयपुर का सेंटर जेल है ना घाट गेट के अंदर, वहाँ का जो जेलर था ना उसको धमकी दे दी थी जेल के अंदर से ही, कि तेरी ये जो गाड़ी है ना जीप, आप जानते हो जो जेलर होता है उसके आगे जीप, फिल्मों में भी देखी होगी आपने, फिल्मी स्टाइल में, कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस गाड़ी को यहाँ से उड़ा दूंगा, उड़ा देना मतलब गायब कर दूंगा, जितनी तेरे को पुलिस सिक्योरिटी लगानी उतनी लगा लेना, ये गाड़ी 24 घंटे बाद में यहाँ नहीं दिखेगी। भाई साहब जेलर ने इतनी सिक्योरिटी लगा दी थी, लेकिन उसका नाम भी कुख्यात वाहन चोर हंसराज मीणा था। 24 घंटे बाद में गाड़ी नहीं मिली, सेंटर जेल के अंदर था वो, तो इसलिए तो कुख्यात बोलते हैं। तो भाई तो ये जो आईडी है ना, हाँ पपला गुजर का भाई है जगन बेटा। अच्छा पपला का भाई है क्या तू? तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट पे चीन आ रहा है अभी, रूस और चीन का दोनों का बराबर स्थान है। आर के डाका जी, तो ये मजाक की बातें नहीं, सीरियस बातें जीवन में। देखो अपन बात कर रहे थे कपास की बातें कर रहे थे, तो भारत में सबसे ज्यादा जो कपास का उत्पादन होता है वो होता है गुजरात के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। अगर बात करें विश्व के अंदर, तो विश्व के अंदर देखो रूस और चीन दोनों में अभी कंफर्मेशन नहीं बता सकता इस डिजिटल के माध्यम से, दोनों का जो डाटा है पॉइंटों में कुछ ऊपर नीचे, आपको ये ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो कपास का उत्पादन हो रहा है वो भारत, क्षेत्रफल में भारत, और उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो थर्ड है। भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा होता है गुजरात के अंदर। और राजस्थान की पूछेगा आपको तो राजस्थान में आएगा हनुमानगढ़। कपास उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो राजस्थान के अंदर होता है वो होता है हनुमानगढ़। आगे होगी आपको समझ में। अब देखो भारत के अंदर अगर क्षेत्रफल की बात करें कि कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में कपास का उत्पादन किया जाता है, तो वो लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर में। सर नोट्स कंप्लीट कैसे, मोनिका एसपी जी कंप्लीट नोट्स कैसे ले ये बताए सर, आप कंप्लीट नोट्स कैसे दे। बेटा मोनिका जी मैंने आपको बता रखा, ये जो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपके नंबरों पे मैसेज करना, आपको नाम एड्रेस और कोर्स का नाम लिखना, सुपरवाइजर हो या जेट में हो या किसके लिए हो, तो वो करें मैं पीडीएफ आपको सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा, आप उनका प्रिंट आउट निकलवा ले, कहीं जाके भी आप रहने वाले हो। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो भारत राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो होता है वो हनुमानगढ़ में होता है। क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में कपास की खेती की जाती है, तो लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर में क्या की जाती है, खेती की जाती है। अब इसमें से देखो कपास जो होता है, एक तो हो गया देसी और एक हो गया संकर कपास। सबसे ज्यादा अगर बात कर ले तो भारत के अंदर संकर कपास जो होता है, संकर कपास का क्षेत्रफल कितना होता है 10 मिलियन हेक्टेयर में, लगभग संकर कपास का क्षेत्रफल होता है वो होता है 40%। 40% क्षेत्रफल में कौन सा बोया जाता है, संकर कपास बोया जाता है। एक इंस्टीट्यूट का नाम भी सुना होगा आपने, राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान या नेशनल कपास अनुसंधान संस्थान, मैं लिख देता हूं राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। ये जो कपास अनुसंधान संस्थान है यह है नागपुर महाराष्ट्र, और पहले अभी 3 साल में गुजरात हुआ, उससे पहले अगर देखो राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यह है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर, और नागपुर कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। और 3 साल अभी 2018 बाद में कपास में हुआ, 2017 बाद में गुजरात, पहले था महाराष्ट्र। तो इस इंस्टीट्यूट को कहाँ खोला गया था, नागपुर महाराष्ट्र। तो एक बार आप इसको उतार लो, उसके बाद में अपन बात करेंगे और भी कपास के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें।
देखो लाइकों की संख्या 200 पहुंचाओ रे, 200 पहुंचाओगे उसके बाद में मैं चर्चा करूंगा आगे, अच्छी अच्छी बातें। देखो अब बात करेंगे कपास की, एक मैंने बताई थी आपको, धान में भी पढ़ा दी, तंबाकू में भी पढ़ा दी, इसके अलावा अगर बात कर ले अपन, तंबाकू के अलावा धान आ गया, तंबाकू आ गई, और जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था गन्ना, उसमें भी बता दी। इसकी कपास कमेटी, भारत के अंदर सबसे पहले कमेटी कपास कमेटी बनी थी, ध्यान रखना, कपास कमेटी कब बनी थी, भारत की पहली कमेटी थी कपास कमेटी, और वो बनी थी 1921। ये तो आपको सभी के जहन में, दिल और दिमाग में याद होगा, भारत की प्रथम कमेटी। तो मैं लिख सकता हूं भारत की प्रथम कमेटी कौन सी थी, कपास कमेटी, ये आप सभी को बताइए। अब इसके अलावा बात करें, जो कपास होता है वो कोसा होता है, जो कपास का जो एक यंत्र आता, देखो बेसिक बात बता रहा हूँ मैं, कपास के विषय आगे बताना चाहिए, एक जो यंत्र आता ना, यंत्र जो कपास होता है, इसकी पकने की या परिपक्वता, मतलब मैं कह सकता हूँ कपास की परिपक्वता की जांच किस यंत्र से की जाती है। एक होता जो कपास के अंदर रेशा होता है, रेशे की लंबाई को किस यंत्र से मापते, दोनों क्वेश्चन बहुत है, रेशे की लंबाई किस यंत्र से मापी जाती है। देखो परिपक्वता मतलब कपास पूरी तरीके से पक कर तैयार हो गया, तो उसमें तो एक यंत्र लेते हैं और उस यंत्र का नाम है एरियालो। देखो एरियालो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरियालोमीटर, एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के याद करना, एरियालोमीटर से क्या करते हैं अपन, कपास की परिपक्वता की जांच करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा आपको कपास का जो रेशा होता है उसकी लंबाई किस यंत्र से मापी जाती है, कपास के जो रेशा होता है उसकी लंबाई किस यंत्र से मापी जाती है, तो वो लंबाई का मापने का जो यंत्र है फाइबोग्राफ, ध्यान रखना फाइबोग्राफ से क्या मापी जाती है, कपास के रेशे की लंबाई। स्टार लगा लेना भाई, एक ही लगाना, दो मत लगाना, दो का लगवाऊंगा अभी, देखो। तो ये हो गया इसके बेसिक बात। अब जो कपास होता है इसका जो बीज होता है उसके एक बीज पर कितने रेशे होते हैं, नमस्कार सर, कपास का जो बीज होता है उसके एक रेशे पर कितने बीज होते हैं, देखो कपास के एक बीज पर कितने रेशे होते हैं, तो एक बीज पर लगभग 60,000 से लेकर 80,000 क्या होते हैं, रेशे होते हैं एक बीज पर, कपास के एक बीज पर, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर बात कर ले, इसकी बीज दर की बात कर लेता हूं, और बीज दर इंपॉर्टेंट क्यों है उसका पता आपको अब लगेगा। तो कपास की बीज दर, देखो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं इसको, बीज दर, देखो बीज दर को अलग अलग वर्गीकृत किया गया, कैसे करेंगे अपन। अगर बात कर रहे हैं कपास, मैंने आपको बताया था एक तो नए विश्व का कपास और एक क्या होगा पुराने विश्व का कपास। नए विश्व का कपास की बात कर लो तो पहले मैं बात करूंगा अमेरिकन कपास, देखो अमेरिकन कपास की बात करो तो इसकी जो बीज दर रखी जाती है हमेशा ज्यादा रखी जाएगी, ध्यान रखना, खोपड़े में दिल में दोनों में घुसा लेना ये चीज, कपास में जो अमेरिकन कपास होता है उसकी बीज दर रखते हैं अपन 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। आगे किस में पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा ये ज़्यादा क्यों रखते हैं। अगर बात करें अपना देसी कपास की हमेशा कम रखी जाती है, देसी कपास की रखी जाती है लगभग 10 से 12 केजी, और अमेरिकन कपास की कितनी रखी जाती है, वो कितनी रखी जाती है 18 से 20 केजी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपन संकर कपास की आ गई, आपको देगा एग्जामिनर बीटी कपास और संकर कपास, बेसिलस थ्यूरिजिन्स आप सब जानते हो, उस दूसरी के जीन डाले जाते हैं, उसके अंदर जीन डालकर तैयार की जाती है। अब बात कर रहा हूं मैं संकर कपास, अगर यहां पर क्वेश्चन आ जाए संकर कपास अगर आ जाए आपको बीटी कपास, देखो संकर कपास की बीज दर ली जाती है वो लगभग 2 केजी
दो केजी ली जाती है एक एक टीर में, और बीटी कपास की ली जाती है लगभग 1.5 से 2 केजी इसकी ली जाती है। तो यहाँ भी आप कंफ्यूज मत हो जाना मेरे लाला और लालियों। तो अब एक बार ठोक दो लाइक। हाँ बिल्कुल सही है, 2 से 3 केजी कर सकते हो आप संकर कपास की, कोई टेंशन नहीं बेटा। 2 से 3 केजी बुकों में दे रखा है, औसत 2 केजी संकर कपास की मानी जाती है। तो एक बार ठोक लो लाइक और इसको उतार लो आप, पटापट ठोक दो। आज थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा, पसीने पसीने आ रहे हैं, एसी चल रही है फिर भी पसीने आ रहे हैं। ले लिया होगा आपने। अब देखो अगर बात करें बीज दर की बात होगी, इसका तापमान कितना होना चाहिए, कितने डिग्री टेम्परेचर पे इसका अंकुरण होगा, तो अंकुरण का तापमान की बात करें, अंकुरण के तापमान की बात करें तो देखो अंकुरण में चाहिए तापमान कम, और वो लगभग चाहिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड। 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका, लगभग 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या माना जाता है इसका, उपयुक्त माना जाता है किसके लिए, अंकुरण के लिए। लेकिन अगर जब वृद्धि करेगा पौधा, कपास वृद्धि करेगा, तो उसमें तापमान ज़्यादा चाहिए। तो वृद्धि के अगर तापमान पूछ ले आपको तो लगभग 25 से 28, कुछ किताबों में 32 भी दे रखा है, वो भी गलत नहीं है, 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर क्या माना जाता है इसके, वृद्धि के लिए माना जाता है। पकने के टाइम भी तापमान यही रहेगा, यही सुटेबल रहेगा। तो तापमान में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा जेट वाले स्टूडेंट अगर सुन रहे हैं मेरी बात तो ध्यान रखना, हमेशा पूछा जाता है कपास के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी जाती है, और वो क्वेश्चन बार बार आता है और आपको पता होना चाहिए, काली मृदा। तो कपास की मृदा इसके 3 बार स्टार लगा लेना जेठ वाले बच्चे, सुपरवाइजर वालों को तो याद है, और जो भी लड़कियां देख रही है वो लड़कियां भी लगा लेना इसके 3 स्टार, क्योंकि थोड़ा सा ना ये कंफ्यूज हो जाती है। मर्दा, काली मर्दा, कपास के लिए काली मर्दा, ये इसको बोल दो काली कपास ये मर्दा, काली कपास ये मर्दा सबसे अच्छी मर्दा मानी जाती है, वो मानी जाती है कपास के लिए। आ गई होगी आपको समझ में, उतार लो। इसके अलावा और बात कर ले, एक क्वेश्चन, हाँ बेटा सबको पता है काली मृदा पाई जाती है कपास में, एक ओ टाइप प्रतिशत का क्वेश्चन खूब आ रहा था, जीनिंग क्या होता है। देखो जीनिंग जो होता है ना, मैं इधर लिख देता हूँ, जो कपास होता है उसमें जो बिनोला आते हैं ना, बिनोला, अरे वो बच जाते हैं बीज टाइप के बिनोला, उनको और रेसों को अलग करने की जो क्रिया होती है ना, उसको बोलते हैं जीनिंग, या बोल दो आप ओ टाइप। तो कपास में बिनोला व रुई बोल दो आप, या फिर बोल दो रेसा, एक ही बात है, रेसा अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ओटाई बोल दो, या फिर आ सकता है आपका जिनिंग। और ये करते हैं अपन, जिनिंग कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। और ये जो कपास का जो जिनिंग प्रतिशत होता है वो होता 33%। देखो, और ये दाना है, एक बात सोचो, इसके अंदर रुई रुई लगी होती है, इसको जो उतारते हैं ना अपन H2SO4, आपने देखा होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, आपने नाम सुना होगा, उससे उतारते हैं। तो ये जो होता है रुई का अनुपात कितना हो गया और बीज का अनुपात कितना हो गया, फटाफट कमेंट्स करके बताओ मेरे को, रुई कितनी आएगी और रेसा वो कितना आएगा बीज। तो वो समझ गए आप 33%, दो अनुपात एक आ गया ना, दो भाग अलग और एक भाग अलग, 33, 33, 66, 33, 99। तो जिनिंग प्रतिशत होता है वो 33% होता है। आगे होगी समझ में। अब देखो जो कपास का बीज होता है आपको पता है मोटा होता है, तो बुआई भी अपन करते हैं ना, तो लगभग कितनी गहराई पे करते हैं, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। अब इसको आप एक बार उतारो, उसके बाद में एक चीज बताऊंगा आपको, नई चीज, अमित चौधरी जी का क्या डाउट आ गया, तो सर 1.5 केजी सीड 1000 वर्ग मीटर में कैसे डालेंगे, अमित चौधरी जी 001। बेटा दूरी लगाते हैं, पर अभी मैं स्पेसिंग दूरी बताऊंगा ना आपको, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कितनी दूरी पे लगाते हैं, पौधों से पौधों की दूरी रखते हैं अपन,
जो इसके अंदर जो रखते हैं आप खड़े हो डेढ़ से डेढ़, देखो इसके अंदर बेटा वो होता है जो प्लांट टू प्लांट की दूरी अपन ज़्यादा रखते हैं, जो अपन देसी किस्में होती है उसके अंदर अमेरिकन किस्में के अंदर जो पौधों की आपने को बता, मैंने बताया था जो अमेरिकन किस्में, अमेरिकन किस्में इसमें जो बीज दर रखते हैं वो 18 से 20 केजी रखते हैं, और जो देसी किस्में होती है, देसी किस्में इसके अंदर लगभग 10 से 12 केजी, और जो अपन संकर किस्में बात कर लो या बीटी कपास बोल लो, संकर किस्में, संकर इसमें लगभग 2 से 3 केजी बीज बताया आपको। तो ये जो दूरी होती है, ये बीज दर इसलिए कम रख रहे हैं क्योंकि इनके पौधों से पौधों की दूरी जो रोपण दूरी होती है उसको ज़्यादा रखते हैं। देखो कैसे रखेंगे आप, देखो जो देश ये अमेरिकन कपास है, अमेरिकन कपास में हमेशा जो पौधों से पौधों की दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 60x30 सेंटीमीटर, 60x30 सेंटीमीटर इसकी। अब देखो इसलिए ज़्यादा लेते हैं, अब अगर देसी किस्मों की बात कर ले तो ये देसी किस्मों का है, देसी किस्मों के 60x30 सेंटीमीटर पौधों से पौधों की दूरी ध्यान रखना, और जो अमेरिकन किस्में होती है उसमें 60x45 लेते हैं, 60x45 बेटा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं यार, एक मिनट में देखता हूं। बताओ बुक्स के अंदर तो यही दे रखा है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बुक्स के अंदर यही दे रखा है लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये रॉन्ग हो सकता है, और कंफर्म करके मैं कल बता दूंगा। वैसे बुक्स के अंदर यही दे रखा है, द्वारका गौर जी कह रहे हैं सही है सर, गौरीशंकर जी कह रहे हैं सही है सर, मतलब आपके हिसाब से भी सही है, सभी सही सही बता रहे। चलो और अगर आप कंफ्यूजन हो, वैसे बुक्स के अंदर यही दे रखा है, और अगर मेरे को थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है कि यार ये थोड़ा सा उल्टा सीधा हो सकता है। चलो देखो जो अमेर संकर किस्में होती है उसके अंदर होती है जो दूरी 120x30 सेंटीमीटर, ध्यान रखना जो 120x60 सेंटीमीटर देंगे, 120x60 सेंटीमीटर रखेंगे अपन संकर किस्मों की, ये तो सही है, लेकिन इनमें थोड़ा सा मेरे को वेरिएशन लग रहा है, आपके हिसाब से सही बता रहे हो आप सभी, बुक्स के अंदर भी यही दे रखा है, तो ये इसलिए होती है इसके बीज की दूरी। अब देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट, हाँ आप सभी सही सही बता रहे हो, मैं भी कभी कभार कंफ्यूज हो जाता हूँ, सही है, एक भी स्टूडेंट का ये नहीं आया कि आप गलत हो, लेकिन मेरी जो आत्मा है ना वो ऐसे बोली कि शायद हो सकता गलत हो, चलो सही है, ठीक है सही है। अब देखो एक चीज आती है, जो कपास होता है इसके अंदर दो प्रकार की शाखाएं होती है, ध्यान रखना इसकी शाखाएं, देखो शाखाएं होती है दो प्रकार की, कपास के अंदर दो प्रकार की शाखाएं होती है, देखो शाखाओं के नाम याद रखना, एक तो होती है मोनोपोडियल, मोनोपोडियल मोनोपोडियल, पहले ये शाखाएं निकलती है मोनोपोडियल, और दूसरी होती है सिंपोडियल, सिंपोडियल सिंपोडियल, देखो मोनोपोडियल और सिंपोडियल क्या होती है, मोनोपोडियल बोलते हैं जो पौधे वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, मतलब उसके पत्ते तने वो चीजें जो वानस्पतिक प्रकार से वृद्धि करें वो शाखाएं होती है मोनोपोडियल। इसके अलावा जो सिंपोडियल होती है वानस्पतिक वृद्धि होने के बाद क्या करेंगे, जो शाखाओं से जो बोल बनेंगी कपास के अंदर जो फ्रूटिंग होगी पुष्पन होगा उनको बोलते हैं सिंपोडियल। तो पहले तो क्या होगी वानस्पतिक वृद्धि होगी, पहले तो वानस्पतिक वर्ग की होगी, उसके बाद में क्या करेंगे कपास के अंदर बोल बनेंगे फल बनेंगे पुष्पन होगी, तो मोनोपोडियल होगी वानस्पतिक शाखाएं, वानस्पतिक शाखाएं, और ये क्या होगी पुष्पन, पुष्पन फलन
तो वो कौन सी होगी? शाखाएं मोनोपोडिया। तो एक बार इसको उतार लो, एक बार उतार लो। इसके बाद में अगर बात करें जो कपास होता है, देखो कपास को बोते कब है, तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ भी रहे थे, जो कपास में बुआई का समय होता है वो थोड़ा सा वेरिएशन है, देखो ध्यान रखना। अगर बात करें अपन उत्तरी भारत, ये जो भारत का नक्शा है, तो देखो उत्तरी भारत ये उधर उत्तरी, ऊपर का आ गया उत्तरी भारत। ये जो भारत का जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र की बात करें तो हमेशा जो कपास की बुआई की जाती है वो की जाती है लगभग 25 मई। इस उत्तरी भारत में की जाती है 25 मई के लगभग बुआई, 25 मई। देखो बरसात जब चालू होती है ना उसमें 25 मई के लगभग, लेकिन बरसात के अंदर भी की जा सकती है। तो अपन बात कर सकते हैं 25 जून से लेकर लगभग जुलाई, जो प्रथम पखवाड़ा होता है 25 जुलाई से लेकर 25 जून से लेकर लगभग 15 जुलाई तक क्या की जाती है, इसकी औसत मतलब बुआई की जाती है। तो अगर क्वेश्चन आपको आए कि उत्तरी भारत में कपास की बुआई कब की जाती है, तो आप 25 मई भी राइट आंसर होगा, लेकिन अगर औसत आ जाए कि ये ऑप्शन में अगर थोड़ा सा वेरिएशन आए तो 25 जून से लेकर 15 जुलाई मतलब बरसात के सीजन में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना भारत के अंदर आपने स्टेट नाम सुना हो तमिलनाडु, रही है तमिलनाडु के अंदर हमेशा कब की जाती है, लगभग 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर के समय इसको शीत ऋतु में बोया जाता है कपास को। तो तमिलनाडु आप अलग ही याद रखना, ये अपवाद ही है, तमिलनाडु 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर, तो वहाँ पर की जाती है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अगर बात कर ले उत्तरी भारत में कपास की चुनाई करते हैं ना, अरे बुआई के बाद में उनको तोड़ेंगे बोल्स को, चुनाई करेंगे, तो वो कब करेंगे, लगभग इस समय अक्टूबर में क्या करते हैं उसकी तुड़ाई करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, और मैं कह रहा हूँ सब लड़के गलत करके आते हैं, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कि आज की पूरी क्लास का सबसे अच्छा और सबसे सुपर क्वेश्चन होगा, अगर उसको आपने समझ लिया तो वो सबसे सुपर क्वेश्चन होगा। सर यूपी में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट का नाम किस नाम से निकलती है, बेटा यूपी में नहीं आती है, कृषि प्रयोगशाला की राजस्थान की भर्ती है, आप फॉर्म भर सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूं, एक तो होता बीज कपास, देखो इसको ध्यान से सुनना, कमेंट्स मत करना, बीज कपास, और एक होता कपास बीज। देखो यहां से कंफ्यूज होते हैं, और खासकर लड़कियां ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि थोड़ा सा दिमाग कम लगाती है एग्जाम में, इसे कबूतर की तरह फड़फड़ाने लग जाती है, घबराहट हो जाती है इनको, तो घबराहट ना हो, इसको ध्यान से सुनना। बीज को बोलते हैं सीड, ये तो आप जानते हो, बीज को क्या बोलते हैं, सीड, और कपास को बोलते हैं कॉटन, सीड कॉटन किसको बोलते हैं, पहली चीज तो इसको कपास को बोलते हैं कॉटन। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, ये लो, कपास को बोलते हैं कॉटन और बीज को बोलते हैं सीड, क्वेश्चन यही आएगा, समझो, कमेंट्स भी आने लगे। देखो कपास बीज सीड कॉटन, और एक होता कपास बीज कॉटन सीड, बेटा मैं सही बोलता हूं, विकास देरू जी बोल रहे हैं लड़कियों में दिमाग नहीं होता, बेटा दिमाग तो होता है, दिमाग सब में बराबर होता है, इनमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा होता है, वैसे दिमाग तो लड़कों में ज्यादा होता है, लेकिन ये क्या चाट जाती है इसलिए उनमें कम हो जाता है, और लड़कियों में हमेशा दिमाग ज्यादा होता है, लेकिन वो जब एग्जाम लगता है तो इनके क्या थोड़ी सी घबराहट सी हो जाती है, जैसे कोई मतलब पूरी जिंदगी मतलब खत्म हो गई है वो, तो इसलिए ना हड़बड़ाहट में है ना, आप एग्जाम में क्वेश्चन भी करते हो आंसर भी देते हो, तो स्टूडेंट जो भी लड़के होते हैं ना वो घबराते नहीं इतने, लड़कियाँ ज्यादा घबरा जाती हैं। आपने देखा होगा एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना उस समय देखना, आप इस सेंटर के बाहर देखना जितनी भी लड़कियां रहेगी सबके हाथों में वो पन्ना रहेगा, और पढ़ती रहती है ऐसे जैसे कोई पता नहीं कोई आईएएस का एग्जाम देने जा रही है, एग्जाम वो घंटा बजेगा ना वहां पर कि अब तो आ जाओ अंदर, रेवड़ की तरह वो अंदर बांटते हैं,
उस समय देखना, उस समय ये पन्ने को बाहर फेंकेगी, उस समय फेंकती है पन्ने को, वरना पढ़ती रहती है पढ़ती रहती है पढ़ती रहती है, और वही तो घबराहट होती है अंदर जाने की बात एग्जाम में। और इस लड़के देखना, आप कभी भी जाके देखना, कोई दुकान टटोलेगा पहले जाते ही, दुकान कोई चाय बीड़ी की दुकान टटोले, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई कोई गुटखा खा रहा है, कोई किस बातों में मस्त है, कोई किससे बातें कर रहा है फ़ोन पे मस्त है, टेंशन नहीं लेते, कभी टेंशन लेते नहीं एग्ज़ाम में। तो वही तो बात है, वही तो गड़बड़ हो जाती है एग्ज़ाम में, फिर क्या, थोड़ा सा अंदर से घबराहट सी हो जाती है इनको, जाते ही घबराहट हो जाएगी, और वो फड़फड़ाहट में है ना, आंसर कौन सा लगाएगी कौन सा ठीक हो जाएगा, और बाहर आएगी रो बार रो ऐसे रोएगी सिर पकड़ के, वो बात है मेन बात। तो कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, एग्जाम देने जाओ तो टेंशन फिर रहा, दो तीन दिन पहले तो पढ़ाई छोड़ दिया करो, बेटा मैं गलत नहीं बोलता, मैं कभी गलत नहीं हूँ, आप चाहे मेरे को कितना ही बुरा बोल दो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो रियल बोल रहा हूँ। हमेशा एग्जाम के दो तीन दिन पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, टेंशन फ्री होकर आराम से काजू किशमिश बादाम इलायची रखो आप जेब में, पड़ोसियों को जाओ रिश्तेदारों को घूमने जाओ, टेंशन फ्री जाए करो, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, पहले होती है पढ़ाई। हाँ फड़फड़ाहट हो जाती है, रोहित जी बता रहे फड़फड़ाहट, फड़फड़ाने कबूतर की तरह फड़फड़ाने लग जाते हैं। देखो अब यहाँ से देखो कि बीज कपास और कपास बीज ये होता क्या, देखो बीज कपास वाली बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है बीज, बीज प्लस रेशा, बी मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ इसको, बीज प्लस रेशा, देखो अरे ये कपास का बीज है और इसके ऊपर वो रेशा भी है, वो रुई भी लगी हुई है, तो ये होता है बीज कपास सीड कॉटन, इसमें बीज भी रहेगा और रेशा भी रहेगा, ध्यान रखना बीज और रेशा दोनों रहेगा। और कपास बीज किसको बोलते हैं, अब देखो कपास बीज कहते हैं, कपास बीज कहते हैं रेशा उतारने के बाद जो बीज बच गया उसको बोलते हैं कपास बीज। अब इस रुई को उतार लो, आप रुई को उतार लो, फिर ये क्या बच गया कपास बीज। तो क्वेश्चन आएगा मैं ये आएगा रेशा, रेशा रेखा लिखा जा रहा है मेरे से यार, देखो रेशा लिख रहा हूँ, रेखा लिखी जा रही है, रेशा रेशा उतारने के बाद ने के बाद बचा हुआ बीज, बचा हुआ बीज क्या कहलाता है, यही कहलाता है कॉटन शीट, ध्यान रखना यही कहलाता है कॉटन शीट। आगे होगी आपको समझ, विकास दारू कह रहा है कि लड़कियों में बीपी की दिक्कत होती है, बेटा बीपी तो तेरी आई होती है इनकी नहीं होती है, इनकी तो बीपी प्रेशर खूब होता है, बीपी तो अब तेरी आई होने वाली है एग्जाम आने वाला है। आप देख रेशा उतारने के बाद बचे हुए बीज को क्या बोलते हैं, कपास बीज या कॉटन सीड, बीज और रेशा दोनों रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बीज कपास या सीड कॉटन, तो ये चीज ध्यान रखना। तो आप इसको भी आप समझ सकते हो। अब देखो एक कपास होता है ना, कपास में जो फूल होता है, फूल उससे जो कपास का जो फूल होता है उससे कड़ी निकालना कहलाता है स्क्वायर, जो वैसे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मैं बात करूंगा वेराइटी की। तो आप एक बार इसको उतार लो, कपास की किस्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटा मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलता, तुम्हारी मर्जी हो वैसे पढ़ो, मैं तो एक रियलिटी बताया, आपको बुरा लगे तो सॉरी, सच्चाई बताइए। अब देखो किस्में देखो, आप देखो वेराइटियाँ, अब अलग अलग वेराइटियाँ बात करेंगे, पहले अपन देसी किस्में बताएंगे फिर पढ़ेंगे अपन अमेरिकन। देसी जो किस्में होती है देसी, और एक होती है अमेरिकन, संकर किस्में भी पढ़ेंगे, पहले अपन देख लेते हैं देसी किस्में कौन कौन सी है कपास की। तो एक इंपॉर्टेंट किस्म है और उसका नाम है गिरनार। देखो एग्जाम में जो जो किस्में आई हुई है ना उन्हीं की बात करूंगा मैं, गिरनार बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है। एक किस्म होती है वो होती है दिग्विजय, दिग्विजय ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इनकी आगे है ना आपसे उसका कुछ तीन चार किस्में ऐसी है उनके बारे में विस्तृत आपको वर्णन करूंगा, अच्छी तरीके बताऊंगा।
दोसा वाले मीणा जी कह रहे हैं सर आज तो क्लास में भी याद आ गई रेखा। बेटा वो तो लिख गया नाम, नहीं तो कभी जिंदगी में ऐसे नाम आए नहीं। देखो गिरनार और दिग्विजय दोनों इंपॉर्टेंट वेराइटी है। एक होती है आरजी आठ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक और बता रहा हूं, लोहित, ध्यान रखना एग्जाम में पूछी हुई है, लोहित किस्म किसकी है, लोहित ये बहुत ही, और यूपी वाले सुन लो, यूपी के टेट में आया हुआ एग्जाम में लोहित, आपने 2018 वाला दिया होगा उसमें क्वेश्चन आया था लोहित किस्म किसकी है, और लोहित किस्म किसकी थी वो देसी कपास की थी, और देसी कपास की थी तो इसकी विशेषता भी आपसे पूछी जा सकती है। इसका जो पौधा होता है वो लाल रंग का पौधा होता है, ये लिख लेना लाल रंग का पौधा, रंग का पौधा। अरे जब चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पेपर करवाया उसमें देखना, आप पेपर उठा के देखना, यूपी वाले लोहित किस्म पूछी थी कपास की, लोहित किसकी किस्म है, कपास की, और कपास की लोहित किस्म का जो पौधे का रंग होता है वो होता है लाल। हाँ तो ये चीज आप ध्यान रखना लाल रंग। इसके अलावा बात करें एक और वेराइटी है प्रताप कृषि, ध्यान रखना ये किसकी है, प्रताप कृषि ये भी किसकी है, देसी कपास की। मैं इधर लिख देता हूं प्रताप कृषि, ये जो किस्म है असिंचित क्षेत्रों के लिए, असिंचित क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है असिंचित क्षेत्रों के लिए कपास की सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, वो है प्रताप कृषि। अब देखो, अब सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं ये तो हो गई कौन सी देसी किस्में, अब मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ लड़कियां ध्यान देके सुने क्योंकि वो गलती करेगी, वो ही फड़फड़ाहट में गलती कर देगी। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन कपास की किस्मों की, अब देखो कहाँ से गलती करेगी, और बहुत से लड़के भी यहाँ पर गलती कर बैठेंगे। एक किस्म है बीकानेरी नरमा, नाम सुना होगा बीकानेरी नरमा, नाम सुन लिया। एक होती है गंगानगर अगेती, गंगानगरी नरमा भी होता है। एक किस्म होती है लक्ष्मी, ये तीन ही किस्में पढ़ाऊंगा अमेरिकन किस्में। देखो आप तो मजाक में लेते हो इन चीजों को, हाँ सिर्फ लड़कियां ही सुने, मजाक में आप लेते हो, मजाक की बात नहीं है, रियलिटी है। आज अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए ना, आज भी ये क्वेश्चन आ जाए निमन में से, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ और मैं, मुझे पता है ये चीजें, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है। ओ, आप किस्म दे दो कि बीकानेरी नरमा निम्न में से कौन सी किस्म है, देसी किस्म, अमेरिकन किस्म, बीटी किस्म या फिर संकर किस्म। मैं कह रहा हूं कोई भी स्टूडेंट या लड़का हो चाहे लड़की हो अमेरिकन किस्म कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके दिमाग में, दिल और दिमाग में बैठी बीकानेरी गंगानगरी, ये तो शायद देसी किस्म है, और देसी किस्म ही करके आओगे। रियल बताना आपको उसकी कसम, आपकी जो जिसको सबसे ज्यादा प्रिय मानते हो ना उसकी कसम है, क्या आपको किस किस को पता था कि बीकानेरी नरमा अमेरिकन किस्म है, यस लिखो या नो लिखना, जिसको नहीं पता था नो लिखना, आत्मा से बताना, देखो सच में बताना कि रियल बताना कि सर मुझे पता था कि ये अमेरिकन किस्म है, यस या फिर नो, यस या नो लिखे, मैं समझ जाऊंगा कि वास्तव में कितने स्टूडेंटों को पता था। देखो विनोद चौधरी जी ने नो लिखा, ज्योतिष सैनी जी ने बोला यस सर याद है, वो तो इज्जत के लिए बोल रही है मुझे पता है। देखो आपके सामने कमेंट चल रहे हैं और इनमें भी 70% स्टूडेंट नो लिख रहे हैं, इस चीज का पता रखना, तो ये मजाक ही अंदाज में मत लिया करो। देख लो कमेंट्स में 70% स्टूडेंट चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो नो ही लिख रहा, यही तो क्वेश्चन है, ऐसे ही तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देंगे। आपको ये तो पता ना भाई पेपर तो मैडम बनाएगी, और मैडम पेपर बनाएगी तो यही क्वेश्चन देगी, और मैडम हमेशा लड़कियों को ही फेल कराने के लिए देगी ऐसा क्वेश्चन। तो अमेरिकन कपास की जो किस्में हैं बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, लक्ष्मी, तो बेटा मैं कभी गलत नहीं हूं रहा, मेरे को पता है इन चीजों का।
कि गलत कौन करके आएंगे, तो अमेरिकन किसमें है? बीकानेरी नरमा। और ये जो बीकानेरी नरमा, इसका ये भी ध्यान रखना, ये किस्म ली जाती है शुष्क क्षेत्रों के लिए। शुष्क क्षेत्रों के लिए कपास की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, वो आएगी कौन सी? बीकानेरी नरमा। यहाँ देखो असिंचित क्षेत्रों के लिए, प्रताप कृषि असिंचित क्षेत्रों में, ये शुष्क क्षेत्रों के लिए, तो ये चीज ध्यान रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ बीटी कपास की, पहले संकर किस्में देख लेते हैं। संकर किस्में, हाइब्रिड वेराइटियां कौन कौन सी है? संकर किस्मों की बात करें तो इंपोर्टेंट है, वो नाम आपने सुना होगा वराह लक्ष्मी नाम सुना होगा, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। वराह लक्ष्मी इसका नाम आपने सुना होगा, या पहले इसके बारे में आगे बात करेंगे क्योंकि ये बोर्ड भर जाएगा। इसको मैं पहले संकर किस्मों को छोड़ देता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं बीटी कॉटन, बीटी कपास की तीन चार किस्में इंपोर्टेंट है। पहली तो आती है अंकुर, तीन याद रखनी है आपको, अंकुर जो कि काफी फेमस किस्म है। अंकुर किस्म है RCH 138, ये किस्म है। और एक है बोलगार्ड टू, ये तीन किस्में याद रख लो आप। तो सर पेपर कौन सी मैडम बनाएगी? बेटा मैडम का नाम तो नहीं बता सकता, आप फिर शक करने लग जाओगे मेरे ऊपर, शक करने लग जाओगे। पर पेपर मेरी का आत्मा कहती है, अंतरात्मा कहती है कि पेपर इस बार मैडम ही बनाएगी। देखो ये तीन किस्में बीटी कपास की। अब मैं बात करूंगा जो संकर कपास की किस्में है, तो एक बार इसको उतार लो, फिर अपन संकर किस्म कपास की किस्मों के बारे में बात करेंगे। उतार लो फटाफट, ले लिया। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं संकर कपास की। और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं गलती करोगे, यही तो कमी है। आप बुक्सों के अंदर, प्राइवेट बुक्सों के अंदर बहुत से एक्सपर्टों की बुक्सों के ऊपर भरोसा कर लेते हो, और यहीं से मैं क्वेश्चन देगा और वहीं से फेल हो जाओगे। आपको पता लास्ट ईयर 2013 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान का दलहन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। जब रिजल्ट आया चतुर्थ स्थान हो गया, डाटा अपडेट हो गए, और वहां पर राजस्थान के हजारों बच्चे फेल हो गए थे। हाई कोर्ट की शरण भी ली थी वहां, फिर हाई कोर्ट से भी हार गए केस। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं संकर कपास की किस्म, और वो कौन सी किस्म? पहली है वराह लक्ष्मी। अब देखो ये जो किस्म है, स्टार लगा लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत सी बुकें पढ़ी है। ये जो वराह लक्ष्मी की जो किस्म है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, भारत की नहीं पूरे विश्व की प्रथम इंटर स्पेसिफिक वेराइटी है कौन सी, अंतराजातीय किस्म कौन सी है, संकर किस्म कौन सी है। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में गलती कहाँ से होगी, आपने बुकों में क्या पढ़ा था, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप नोट भी करोगे इन चीजों को। तो इस किस्म की बात करें तो ये जो किस्म है, मैं फिर नाम बता रहा हूं, प्रथम इंट्रा स्पेसिफिक। बेटा बताऊंगा नाम, टेंशन मत ले। अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, आपसे क्वेश्चन आएगा कि प्रथम संकर किस्म, कपास की प्रथम संकर किस्म, आप मुझे पता है H4 करके आओगे। अब मैं इसको लिखा रहा हूं, आपको गलत लिखाऊंगा, आपको लिखना पड़ेगा वराह लक्ष्मी जो किस्म थी, प्रथम इंटर स्पेसिफिक किस्म है कौन सी है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरा जातीय किस्म। देखो मैं बोल दूं प्रथम संकर, इसी को लिखाऊंगा मैं प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म, आप लिख के आओगे प्रथम संकर किस्म H4। बेटा अभी मैं बताऊंगा क्यों है ये, अरे तो बेटा इंट्री तो लिखा है मैंने, इंट्री लिखा रहा है, मेरा लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे दोले, इंट्री लिखा, इंट्रा नहीं लिखा, इंट्रा बोल दे, इंटर स्पेसिफिक
कुछ भी बोल दे रहे, इंट्रा बोल दे, इंटर बोल दे। तो इंटर स्पेसिफिक अंतर जातीय पहली किस्म है, कपास की प्रथम संकर किस्म है कौन सी। इसका जो क्रॉस किया गया था, इसका क्रॉस दो वेराइटियों से किया गया था और वो आपने पढ़ दिया, गोसिपियम हिस्टूटम, गोसिपियम हिस्टूटम। मैं शॉर्ट लिख देता हूं, गोसिपियम आपने पढ़ा था, गोसिपियम हिस्टूटम। और इसी के साथ एक और वेराइटी ली थी, वो ली थी गोसिपियम बारबेंडस। इन दोनों वेराइटियों के बीच मध्य क्रॉस कराया और फिर निकली थी वराह लक्ष्मी किस्म। और ये जो वेराइटी है ना, इसका जो आविष्कार किया था उस साइंटिस्ट का नाम था एस ए पाटिल। एस ए पाटिल साहब थे, साइंटिस्ट थे, और इन्होंने किया था 1972 के अंदर, 1972 के अंदर धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय में, कृषि विश्वविद्यालय। देखो इसने विकास किया था, लेकिन अब आप कंफ्यूजन क्या होगे, देखो मैं एक और वेराइटी लिख रहा हूं, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं उसका, और आपने बुक्सों के अंदर पढ़ा होगा H4 भी क्या थी, इंटर स्पेसिफिक वेराइटी थी, ध्यान रखना, अंतर जातीय की सब अंतर जातीय किस्म, यह भी वेराइटी थी, यह भी संकर किस्म थी। सर एक बार फिर से बोलो प्लीज, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे दो बेटा बोलूंगा, कोई वो आने दे। देखो प्रथम अंतर जातीय किस्म, ये किस्म भी कैसी थी, संकर। अब देखो मैं बताऊं आप क्या गलती कर रहे हो, देखो बुक्सों के अंदर सबसे ज्यादा दे रखा है कपास की प्रथम संकर किस्म दे रखी है H4, ये दे रखी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कपास की प्रथम संकर किस्म, पढ़ा रहा हूँ वराह लक्ष्मी। अगर एग्जाम में मेरा आएगा ना तो मैं यही करके आऊंगा, ये तो करके ही नहीं आऊंगा। देखो ये जो वेराइटी ना, देखो प्रथम तो अगर आपसे पूछे वराह लक्ष्मी है, बहुत सी ऑथेंटिक किताबों में मैंने देख लिया वराह लक्ष्मी, रात को कम से कम इस क्वेश्चन को लेकर आधे घंटे कंफ्यूज रहा था, कम से कम 5 किताबें टटोली, 4 किताबों में यही दे रखा था, 2 किताबों में ये दे रखा था, तो वैसे मैं खुद ही कंफ्यूज था। मैं अगर मेरी हिसाब से करूंगा तो वराह लक्ष्मी करूंगा। H4 जो किस्म है ये औद्योगिक रूप में लागू की गई थी, मतलब बिजनेस के रूप में, अगर अपन व्यापारिक दृष्टि से देखें तो उसमें है व्यापारिक दृष्टि से कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, ये अंतर्राज्यीय किस्म कौन सी है, अंतर जातीय किस्म कौन सी है, H4। देखो बनाया तो, विकास तो इसका किया गया था। देखो अब आपसे पूछ ले, यही मैं चाहता था बुक्सों के अंदर, नोट्सों के अंदर। देखो ध्यान रखना, कुछ किताबों में ये दे रखी है, कुछ किताबों में ये दे रखी है। हमने जो ASP के जो नोट्स भी दिए ना आपको, मैं बता रहा हूँ फिर आप कंफ्यूज मत होना, ASP के जो नोट्स दिए गए आपको उसमें ये लिखी हुई है प्रथम इंटरेस्ट, ये दे रखी। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं उन सभी से एक बार अपील है कि उन नोट्सों में इस लाइन को काट ले, प्रथम को काट ले आप, प्रथम ये थी, आदि बुकों में ये दे रखा, आदि बुकों में ये दे रखा, ASP का आपको नोट दिए उसके अंदर ये दे रखा, तो इसको प्रथम को काट ले, ये वराह लक्ष्मी संकर किस्म है, संकर किस्म है, बात सही है, लेकिन प्रथम ये थी प्रथम संकर किस्म। पहले मैं इसलिए ज्यादा बता रहा था कि मैं ये करके आऊंगा, क्योंकि आप याद नहीं रखते, वहाँ जाते हैं आपका दिमाग, इतनी बात बताने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वहाँ एग्जाम में जाते हैं आप गलती कर बैठते हैं। तो ध्यान रखना नोट्सों के अंदर प्रथम को काट ले, भारत की नहीं विश्व की प्रथम संकर किस्म थी, H4 ही थी, और इस किस्म का जो विकास किया गया था वो 1970 के अंदर ही किया गया था, 1970 में, और ये साइंटिस्ट था CT पटेल, ध्यान रखना CT पटेल। इसका जो विकास किया गया था वो किया गया था ऐसे पाटिल ने 1972।
पीयू यादव जी का कमेंट्स पढ़ो, मैं देख रहा हूँ बेटा देख क्या आ गया ऐसा। हाँ बिल्कुल बेटा सही है बिल्कुल, वो तो मैं अब बताने वाला हूँ। जो H4 जो किस्म है, अंतर जातीय किस्म है, कपास की प्रथम संकर किस्म, आपको राइट आंसर ये मिलेगा। कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ आपको नहीं करना है, भारत की विश्व की प्रथम संकर किस्म आपको ये करना। फिर मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ ये नहीं करना, आपको जो नोट दिए गए उसमें प्रथम को काट देना। मैं नोट्स को अपडेट करा दूंगा अगले नेक्स्ट वीक में, जो भी आप PDF भेजूंगा उसमें ये काट के भेज दूंगा। अब देखो ये जो किस्म थी इस दो किस्मों से मिलकर बनी थी, G67 और एक थी अमेरिका की किस्म। इस किस्म का जो विकास किया गया था वो थी G67, ध्यान रखना G67। और इसका जो संकरण किया गया था, अमेरिकन एक किस्म थी और उसका नाम था नेक्टरलेस, ध्यान रखना नेक्टरलेस, अमेरिकन नेक्टरलेस, नेकेटर नेक्टरलेस। इन दोनों किस्मों का विकास किया गया था और यह किस्म बनाई गई थी कौन सी, H4। तो विश्व की भारत की प्रथम कपास की संकर किस्म H4। अब देखो ये दो किस्में हो गई, अगर और संकर किस्मों की बात करें तो देखो इसको एक बार उतार लो, फिर मैं चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं ब्लैक पेन से। और भी संकर जो किस्में हैं कपास की उसमें इंपॉर्टेंट है H4, एक है RS 2013, ये भी किस्म अच्छी मानी जाती है कपास की, और ये भी कैसी मानी जाती है, संकर किस्में। अब मैं बता रहा हूँ लास्ट और एग्जाम में छप गई है, समझो छपने लायक किस्म, स्टूडेंट सुन ले लड़के सुन ले, वही आपको याद रखनी है और याद नहीं रखनी, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है H4 प्रथम संकर किस्म है, ये भी संकर किस्म है, वाराणसी भी, इसका विकास 1972 में हुआ, इसका 1970 में हुआ, लेकिन एग्जाम में अब पूछने लायक किस्म है और वो है मरु विकास, ध्यान रखना मरु विकास, मरु विकास ये किस्म छपेगी एग्जाम में जेट में, खासकर जेट वाले बच्चे ध्यान दो। मरु विकास जो किस्म है इसको ही बोलते हैं राज H16, मरु विकास नहीं देगा राज H16, इसका ही नाम है मैं लिख देता हूं राज, राजस्थान में की H16, देखो रे लाला वो राज H16, और यही किस्म है राजस्थान की प्रथम संकर किस्म। राजस्थान की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, अब मैं लिखूं कहां पर, छोटा छोटा लिख देता हूं, राजस्थान की प्रथम संकर संकर किस्म यही है रे भाई, गोला कर दिया हूं, छाप लेना कॉपी के ऊपरी ऊपरी पेज में। तो ये थी संकर किस्में। अगर और ज्यादा डिटेल में जाना चाहो तो एक और है MCU, नाम सुना होगा MCU 5, ये भी कपास की किस्म है, सबसे लंबा रेशा इसी किस्म का होता है। तो लिखना चाहो तो अगला पेज में मैं लिख देता हूं, इसको चलो उतार लो, उतारो फटाफट MCU 5। फटाफट लाइक भी करते रहो, लाइकों में कंजूसी मत किया करो यार, 300 पूछा तो देखो एक बार। MCU 5 सबसे लंबा रेशा, सबसे लंबा रेशा। तो ये थी एक, ये भी कौन सी थी, संकर। तो ये थी अपनी कपास की वेराइटियां। अब देखो छोटे छोटे रोग भी होते हैं इसके अंदर कपास में, आपने नाम सुना होगा। अगर पहले पोषक तत्वों की बात करें, पोषक तत्वों की, तत्वों से कौन कौन से रोग हो, से रोग कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना हमेशा जो कपास में पूछा जाता है वो आता है कपास का छोटी पत्ती रोग, पत्तियां बिल्कुल छोटी रह जाती है, लिटिल लिप बोल दो, कपास का छोटी पत्ती रोग, पत्ती ये नहीं आएगा, ये आएगा पत्ती रोग, इसको बोलते हैं लिटिल लिप, मतलब छोटी पत्ती रोग। और ये किस पोषक तत्व की कमी से होता है, ये होता है जिंक, ZN की कमी से, की कमी से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है। हाँ बेटा सुजाता भी ऐसा ही, दिनेश से नहीं सुजाता,
अब वैसे तो खूब वेराइटी है, लेकिन एग्जाम में पूछी हुई वो मैंने बताई आपको, खूब है वेराइटी। अभी मैं गिनाऊंगा तो तू भी यार गण चक्कर हो जाएगा तेरे दिमाग में, मेरा खुद का ही हो जाता है। तो देखो, तो जिंक की कमी से होता है कपास के अंदर लिटिल लिप रोग। एक होता है कपास के अंदर किंग, उसको बोलते हैं क्रिंकेल, क्रिंकेल जो उसकी जो वो होता है ना गांठी वो फट जाती है, ट्रक भी बोल दो उसको, जो गांठ होती है मतलब पकती है ना उससे पहले ही फट जाती है ट्रिक। क्रिंकेल तो ये होता है इसके अंदर लिटिल क्रिंकेल लीफ रोग, कपास का क्रिंकेल लीफ लीफ। तो ये होता है किसकी वजह से होता है, इसमें होता है एमएन की अधिकता से। देखो ये एल पहले आएगा एमएन की अधिकता से। अब एक रोग और होता है जीवाणु अंगमारी रोग, आपने नाम सुना होगा रोग, कपास का जीवाणु अंगमारी रोग, अंगमारी रोग। देखो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, और सबसे प्रमुख रोग माना जाता है कपास का, सबसे प्रमुख रोग कौन सा है, कपास का जीवाणु अंगमारी रोग। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो होता है, ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, और उस बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास, जेंथोमोनास आप जानते हो, जेंथोमोनास मालवेरेसेरस, मालवेरेसेरस। जेंथोमोनास मालवेरेसेरम, मालवेरेसेरम। तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया। और इसी रोग को ध्यान रखना, क्वेश्चन आईबीपीएस एसओ 2019 में पूछा था कपास के जीवाणु अंगमारी रोग, ये ऑप्शन में नहीं दिया था। इस रोग को बोलते हैं काली बुझा रोग, काली बुझा, कपास का काली बुझा रोग, काली बुझा रोग, बुझा रोग देगा आपको, बुझाए क्या पड़ जाती है, काली पूरा पत्ते पूरे उसकी जो कपास की बुझा होती है, अरे उसके जो बुझा अपनी बुझा क्या है, तो पूरी क्या पड़ जाती है काली। तो काली बुझा रोग किसको बोलते हैं, जीवाणु अंगमारी रोग को। और इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे अपन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेते हैं 0.1 ग्राम 1 लीटर में घोल के क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। हाँ बेटा यही है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जीरो पॉइंट 1% 1 लीटर पानी में। तो ये था अपना कपास का रोग, आ गई होगी आप सभी को समझ में। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल। और एक बच्चा बोल ही रहा था, चलिए दोस्तों।